अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैं हूं आपका जेएसएम आकिब। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं MI Note 5 Pro रिपेयर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ़ोन में मैंने USB केबल लगाई थी तो फ़ोन ने 2 एम्पीयर ऑटो कंजप्ट करे, तो इसका मतलब फ़ोन में शॉर्टिंग है। पहले इसमें ये चार्जिंग IC का शील्ड रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे ही चार्जिंग IC का शील्ड रिमूव कर लिया तो ये चार्जिंग IC थोड़ी बहुत बर्न हुई है। इससे यही पता लगता है कि मतलब इसमें चार्जिंग IC ख़राब होगी या तो कोई कैप वैप ख़राब होगा। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार कैप चेक कर लेते हैं, देखते हैं कोई कैप में शॉर्ट है। तो कैप कोई शॉर्ट नहीं है। तो अब पहले इस पे रोजिन लगाएंगे, चार्जिंग IC पे देखेंगे क्या कैप कोई हीट हो रहा है या चार्जिंग IC हीट हो रही है। तो रोजिन लगा लेते हैं अच्छे से पहले। तो रोजिन लग चुका है। अब जैसे ही इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करी तो चार्जिंग IC हीट हो गई। तो अब चार्जिंग IC रिमूव कर लेते हैं। तो चार्जिंग IC रिमूव हो चुकी है, बट चार्जिंग IC जैसे ही रिमूव की बट उसमें जो टॉप साइड है उसमें आधे प्रिंट ही नहीं है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें ये जो IC है ये बर्न होने की वजह से ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हो वीडियो में ये बर्न हो चुकी है, उस वजह से ये IC ख़राब हो चुकी है। अब पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद इसमें नए IC लगाएंगे। Thank you.
नई आईसी भी लग चुकी है, अब फोन को चेक कर लेते हैं। तो फ़ोन भी ऑन हो चुका है। अगर आपको किसी एंगल से ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में जल्दी से।